एक शशांक मूवी है जो एमएक्स प्लेयर पे दी है, और एक है पील है के मानता नहीं शॉर्ट मूवी है, वो हमने दी है डिज्नी हॉटस्टार पे। और आगे अपकमिंग में दो प्रोजेक्ट है जो सोच रहे हैं फिलहाल, प्लान्स अभी कुछ डिसाइड नहीं किए मगर धीरे धीरे देखेंगे। सामने बाजू में दो महाती बैठे हुए हैं, हाँ क्या कुछ कहेंगे, कैसे उनको कुछ फिल्म करने वाले हैं? हाँ हाँ आएंगे, किसी को लेके ही आएंगे ना, साथ में अकेले तो नहीं आ सकते। नहीं, इसमें आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ मैं। हाँ वहाँ देख के बोलिए। आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ, आर्या बब्बर का ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें जॉइंट वेंचर में काम किए हमने। सुनील सर आज बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई है डंकी, उसका बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स है? अभी वो तो हमने देखी भी नहीं है ना। सुनील सर डंकी फिल्म जो है मैं देख के आया हूँ, और ये एक मीनिंगफुल फिल्म है। मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान दोनों, राजकुमार हिरानी जो है इमोशन के राजकुमार हैं और शाहरुख खान किंग ऑफ इमोशन है, तो किंग खान तभी उनको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि हर उस बंदे को ये फिल्म देखनी चाहिए जो ये सोचता है कि मेरा घर जो है ख़राब है और वहाँ दूसरा जो उस तरफ पहाड़ की तरफ कुछ है वो बहुत अच्छा है, यानी कि इंडिया में कुछ नौकरी नहीं मिल रही है तो विदेश चले जाते हैं, वहाँ कर लेते हैं, तो विदेश जाने के लिए मरते हैं और विदेश जाने से पहले ही मर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये NRI का सिस्टम है, चोरी चुपे जाना, उस पर उसके बेस फिल्म है ये, और मैं समझता हूँ कि ये हर उस बंदे को देखनी चाहिए जो A फॉर अमेरिका, B फॉर बैंकॉक और C फॉर कनाडा समझता है, जबकि अब मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से कि A फॉर अमृतसर, B फॉर बाघा बॉर्डर और C फॉर चंडीगढ़ है। आप अपने देश में रहिए, अपने देश में की मिट्टी, उसकी रोटी जो है आपको बाहर की पिज़्ज़ा बर्गर से बहुत अच्छी है, सम्मान है, इज्जत है, ये इस फिल्म का टोटलिटी में विचार है, बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए, साफ सुथरी फिल्म है। चलिए तो अब हम ये खुशी की बात ये है, सबसे पहले अभी मैं ही बोल देता हूँ कि परमार साहब जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तो हम आपसे पहले तो ये गुजारिश करेंगे कि आप सबसे पहले कॉन्ट्रोवर्सी से बचें। बराबर, आप अपने आप की एक छवि, साफ सुथरी छवि रखिए, जो भी फिल्म बनानी हो साफ सुथरी बनाओ, जैसे राजकुमार हिरानी जी बनाते हैं। आज तक उनकी कोई भी फिल्म ऐसे नहीं है कि जो आप कहेंगे यार क्या बनाई उसने, उसी तरीके से आप आए क्योंकि आपके आपके ऊपर हमारे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। सिर्फ आप ये नहीं कि एक शशांक पे या किसी पे बना दीजिए, रुक जावे वैसा नहीं, वैसा ना हो, क्योंकि आप इस तरीके की फिल्में बनाइए जिसमें दिलीप सेन भी आ सके, सुनील पाल साहब भी आ सके, और भी लोग आ सके। नहीं, दो स्टार की साइन है की बात नहीं, हम जैसे जब एक नया कोई प्रोड्यूसर पैदा होता है तो उससे 1000 घर पलते हैं। और आपसे हमको यही उम्मीद है कि आगे भी जो आप प्रोडक्शन में लाएंगे, मुझे उम्मीद है कि शायद दिलीप जी एक्टर भी है, हमारी दो फिल्में लॉकडाउन टू अनलॉक में भी कर चुके हैं, और अभी हाल ही में जो रिलीज फिल्म है गाली गलौज, उसमें भी दिलीप सिंह जी ने बहुत अच्छा रोल किया है और बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं तमाम प्रोड्यूसर निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका म्यूजिक तो इनकी जान है ही, लेकिन एक इनकी जो पहचान है एज एन एक्टर, वो मैं चाहता हूँ कि सामने आए, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। गाली गलौज फिल्म जो हमारी SRK म्यूजिक पर है वो जरूर देखिएगा। नहीं देखिए जरूर, क्योंकि मैं कुछ हिस्से देखे हैं। सुनील जी मैं बताऊँ आपको, आपने उसमें जो सच्चाई दर्शाई है एक कलाकार के प्रति, बराबर बहुत सही है। उसमें जो मेरा करेक्टर आपने दिया है, खैर मैं उस टाइप का तो हूँ नहीं, मगर वो करेक्टर कमाल था। एक मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, आपने कॉमेडी नुमा एक सटायर लिया, बहुत अच्छा था। तो परमार साहब आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और हम यही चाहते हैं कि नजमा जी और वसीम जी आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये इंडिया के सबसे बेस्ट PR मीडिया के मतलब इज द स्टार सुपर स्टार लोग हैं दोनों, और मेरे दोनों ही बच्चे हैं, मतलब एक बिटिया है, एक बेटा है, एक भाई भी है, बिटिया है, मतलब तो इन लोगों का जब कभी भी ऐसा मैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखिए इतने सारे मीडिया आए, सबसे पहले तो मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सारा अपना कीमती समय लेकर आपकी प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ाने के लिए आए। तो मैं मीडिया से भी यही कहूँगा कि भाई नए प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए, कॉन्ट्रोवर्सी में अगर ये कुछ बोल भी जाते हैं तो उसको एडिट करके अब साफ सुथरी तरीके से दिखाया जाए, जिससे कि प्रोड्यूसर की छवि सही रहेगी तो हम लोग सब सही रहेंगे। नेक्स्ट देख रहे, दो प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत परमार प्रोडक्शन हाउस एकदम न्यू लॉन्चिंग है, तो हमारी इंडस्ट्री में देखिए बेबी स्टेप होते हैं, तो हम सबको मिलकर इन्हें सपोर्ट करना है, इन्हें डायरेक्शंस दिखानी है, ताकि सही एक अच्छी ट्रू बेस्ड स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी लेके आए मार्केट में,
वो इतना मीनिंगफुल हो कि हमें भी देखने में मजा और काम करने भी मजा आए। तो आज का जो मेन हमने जो मीडिया इंटरव्यू रखा वो इसीलिए रखा ताकि ये लोगों से मिल सके, लोग इनको जान सके। जब तक आपकी एक फैमिली नहीं बनेगी आप काम कैसे करोगे? बड़ी फिल्म बननी चाहिए, बनती रहनी चाहिए। कॉमेडियंस बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे, कलाकार मित्र हैं सब, और मैंने भी 5 फिल्में कॉमेडी बनाई है, भावनाओं को समझो, बिग बॉस, लॉकडाउन टू अनलॉक, मनी बैक गारंटी, और अभी हमारी आई गाली गलौज। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज के साथ में अगर कॉमेडी फिल्म बनती है तो देखने सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मैं जी का फैन हूँ, मेरा इम्पोर्ट का काम है और थोड़ा साथ में फाइनेंस करता है। वेरी गुड। नहीं, कॉमेडी और एक्शन दोनों रहेगी, जिसमें विलेन कॉमेडियन रहेगा, ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे बनाने का। अभी आगे देखो क्या है। वो तो दिल्ली से उनके घर वालों ने किया था। हाँ। मूवी पे स्टे लाया था। हाँ। तो दिल्ली हाई कोर्ट से मैं जीत के आया, मेरे फेवर में आया। आपने तो ऐसा नहीं कहा था ना कि बायोपिक बना रहे हो? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं ना, हम तो ये बोल ही नहीं रहे। हम तो उनकी जिंदगी के ऊपर कहानी बनाई है हमने, उसमें कुछ लिखा नहीं। हमने देख के उनको देख के उत्तेजित होके हमने वो बनाई है। नहीं, ये ऑलरेडी किसी का ऑलरेडी प्रोजेक्ट था, रोर प्रोडक्शन का, उनके साथ हम जॉइंट हुए थे और ये आगे बढ़ा। प्रोडक्शन हाउस एकदम न्यू लॉन्चिंग है तो हमारी इंडस्ट्री में देखिए बेबी स्टेप होते हैं, तो हम सबको मिलकर इन्हें सपोर्ट करना है, इन्हें डायरेक्शंस दिखानी है ताकि सही एक अच्छी ट्रू बेस्ड स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी लेके आए मार्केट में, वो इतना मीनिंगफुल हो कि हमें भी देखने में मजा और काम करने भी मजा आए। तो आज का जो मेन हमने जो मीडिया इंटरव्यू रखा वो इसीलिए रखा ताकि ये लोगों से मिल सके, लोग इनको जान सके। जब तक आपकी एक फैमिली नहीं बनेगी आप काम कैसे करोगे? हेलो, हाँ जी, मैंने देखी है वो मूवी। मूवी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बट जी जी बोलो। बेबी न्यूज है तो इंसान थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे सीखता है, फिर उसे समझ आता है कि चीजें। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? ओके, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक जरूर देखेगा मूवी एक बार। मूवी अच्छी है, एमएक्स प्लेयर पे है। थोड़ी सी सुशांत जी की स्टोरी को उन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है। क्या क्या दिखा रहे हैं? उनकी जर्नी दिखाई है कि वो बॉम्बे कैसे आए थे, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया था स्टार्टिंग में, उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल कैसे हो गए थे, फिर उनको पहला ब्रेक कैसे मिला, जो उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो उनको क्यों छोड़ के गई थी, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फिर उन्होंने पहली मूवी अपनी कैसे साइन की, उनको काम कैसे मिला, और जब वो अपनी एक हाइट पे एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे तो उनके डाउनफॉल कैसे आए, क्या क्या वजह हो सकती थी कि जिसकी वजह से उन्होंने डिप्रेशन को झेला, और उसके बाद डायरेक्ट उनका सुसाइड अटेम्प्ट दिखाया गया। उसके बीच में ये जो हम कॉन्ट्रोवर्सी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कॉन्ट्रोवर्सी जैसा कि किसने मारा, कैसे मरे या सुसाइड था, वॉट एवर, जो भी स्टोरी है वो नहीं दिखाई गई। तो डायरेक्ट ये दिखाया गया है कि उन्होंने खुद को मतलब हैंडल थे और उसके बाद कैसे चीज़ें सफल। आप राजस्थान से हैं? राजस्थान से। बहुत गुड। एक मिनट, राजस्थान में कहाँ से हैं? रानी फालना के बाजू में, डायलाना। अच्छा, तो आप जरूर मारवाड़ी से मारे। अच्छा, हाँ, ठीक है। आज कुछ पूछो इनसे। जिसको मालूम होगा। अच्छा, जो एक्टर है सुशांत जी के वो एक्टर कौन है? साथ निभाया है आर्या बब्बर है। आज कितने बजे? अपर्णा मलिक है और अपना राजवीर राजवीर है और रवि सुधा चौधरी स्टार कास्ट में, ये चार लोग हैं। मैं हमें कॉमेडी मूवी का प्लान कर रहे हैं परमार प्रोडक्शन हाउस से बहुत जल्दी, सो इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो अभी हमने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि एक बार स्क्रिप्ट फाइनल हो जाए, बिकॉज आर्टिस्ट तो हमने सोचे हुए हैं, हम लोग ऑलरेडी मैं नजमा जिस सीट पर बैठ चुके हैं, तो एक बार स्क्रिप्ट हमारी लॉक हो जाए तो उसके बाद हम एक बहुत जल्दी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें हम इस मूवी का नाम। थैंक यू।